हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एफोर्डेबल होम प्लान में आज लेकर आए हैं प्लॉट साइज 56 फीट बाय 38 फीट। जी हाँ, 56 बाय 38 फीट का प्लान G+3 में प्लान बना हुआ है। तो ये स्क्रीन पर प्रपोज साइट प्लान आपके सामने, फेसिंग ईस्ट है। जी हाँ, रोड पूरब साइड में दर्शाया हुआ है ये, और रियर सेटबैक 3 फीट, फ्रंट सेटबैक 5 फीट, और दोनों साइड सेटबैक 3-3 फीट छोड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन एरिया 1500 स्क्वायर फीट आ रहा है, 50 फीट ये इधर दक्षिण से उत्तर और 30 फीट पश्चिम से पूरब। जी हाँ, 50 बाई 30 का ये कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो आइए देखते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ये रहा स्क्रीन पर 50 फीट हो गया यहाँ से यहाँ तक में लेंथ साउथ टू नॉर्थ, एंड 30 फीट वेस्ट टू ईस्ट। ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग का स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। जी हाँ, G+3 का प्लान है। इस स्पेस में 6 4-व्हीलर्स पार्किंग का स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पीछे में इस जगह पर आप 2 2-व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं। ये बीच में स्टेयर केस देख रहे हैं, स्टेयर केस की चौड़ाई रखी हुई है 6 फीट, और ये लैंडिंग आ जा रहा है 6 फीट बाय 4 फीट का। 6 फीट ये विड्थ है, और ये यहाँ से डेप्थ हो गया आपका 4 फीट, और ये लेंथ इस जगह से इस जगह लेफ्ट टू राइट 6 फीट है। ये इधर से फर्स्ट फ्लाइट शुरू होता है यहाँ से, और ये सेकेंड फ्लाइट इधर आ गया। लैंडिंग हाइट स्लैब थिकनेस लेकर 5 फीट 6 इंची है। ट्रेड रखा हुआ है 10 इंची, और राइजर 6 इंची में है। ये ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर लेवल का डिफरेंसेस 2 फीट 6 इंची है। जी हाँ, यहाँ जो भी ये रेड आकृति दिखाई दे रही है स्क्वायर शेप में, ये सभी कॉलम को दर्शाता है, और ये डॉटेड लाइन सीलिंग हाइट पर, सीलिंग लेवल पर बीम को दर्शा रहा है। ये सभी रूफ स्लैब का थिकनेस छोड़ने के बाद में नीचे आपको 10 इंची आ रहा है ये, और चौड़ाई भी सभी बीम का 10 इंची रखा हुआ है। कॉर्नर में ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक में देख रहे हैं वाल सभी दोनों कॉर्नर पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यहाँ पर भी इस जगह पर सिर्फ फ्रंट में ये खुला हुआ है। ये अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से इसको प्रोवाइड किया गया है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब आइए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का ये कॉमन प्लान है ये। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर 2 फ्लैट का प्लान किया गया है। 2 BHK है, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम और फ्रंट बरांडा, ड्राइंग रूम बीच में ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं लेफ्ट साइड से। दोनों फ्लैट एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसमें ये 2 बेडरूम दिखाया हुआ है पश्चिम साइड से। ये एक हो जा रहा है, एक का साइज रखा हुआ है 11 फीट 6 इंची बाय 11 फीट, दूसरा है 12 फीट बाय 11 फीट का। इस दोनों का साइज बदला जा सकता है, यदि आप चाहें तो इसको 12 फीट बाय 11 फीट रख सकते हैं, और इसको 11 फीट 6 इंची बाय 11 फीट रखा जा सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। और इस जगह पर SS लिखा हुआ देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों जो है सो सेल्फ है, जिसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक में 4.5 फीट रखी हुई है, और ये डेप्थ इसका है 1.5 फीट का। डी साइज जहाँ जहाँ डी डोर को दर्शा रहा है, इसका साइज है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। और उसके बाद में यहाँ पर WC है, वाटर क्लोजेट, ये इसका साइज रखा हुआ है 5 फीट बाय 3 फीट 4 इंची। बाथरूम का साइज रखा हुआ है 5 फीट बाय 3 फीट 9 इंची, 5 फीट ईयर टू ईयर एंड 3 फीट 4 9 इंची फ्रॉम दिस पॉइंट टू ईयर। और इस दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ पर D1 और D1 रखा हुआ है, जिसका साइज 2.5 फीट है, 2 फीट चौड़ाई में और 7 फीट खड़ा है, 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर ये आपको
किचन प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी चौड़ाई रखी हुई है 7 फीट और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक में है आपका 9 फीट। और इस जगह पर यहाँ सिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ये कुकिंग प्लेटफॉर्म विड्थ 2 फीट है ये एल शेप में। यहाँ पर भी आपको D1 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का प्रोवाइड किया हुआ है। लिंटर हाइट आपका 7 फीट है, सिल हाइट रखा हुआ है 2 फीट 6 इंची। सभी ये इंटरनल वॉल 5 इंची चौड़ाई में है, ये एक्सटर्नल वॉल 10 इंची में है। यहाँ पर 3 फीट के रेडियस में पम बालकनी निकला हुआ है, सर्कुलर बालकनी है ये, सेमी सर्किल है, उसमें ये 3 इंची का ये रेलिंग का हाइट हो जाएगा 3 फीट तक में। और ये छज्जा टाइप का निकला हुआ है डिज़ाइन के हिसाब से। और ये सामने में यहाँ बरंडा, इसके बाद में अब ये देख लीजिए, इसमें बीच में ड्राइंग हॉल है जिसमें डाइनिंग टेबल आ जाएगा। इसका भी साइज बढ़िया है, 13 फीट 3 इंची लंबाई है इस जगह से लेकर के इस जगह तक, और यहाँ से यहाँ तक में 10 फीट हो गया, और आगे में 13 फीट 4 इंची, ये भी 13 फीट 4 इंची ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक में 13 फीट 4 इंची बाय 6 फीट 1 इंची, 13 फीट 4 इंची बाय 6 फीट 1 इंची में है। यहाँ पर 2 D2 W2 W2 विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट रखी हुई है, और हाइट या ऊंचाई कह सकते हैं वो भी 4 फीट 6 इंची में है। सभी W2 3 फीट बाय 4.5 फीट का है। ये W3 किचन पर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका हाइट रखा हुआ है 2 फीट, और ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक में, ये है आपका 6 फीट का। ये लिंटर से नीचे पड़ेगा और कुकिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर से प्रोवाइड करना है, ये ठीक लिंटर से नीचे आएगा, 5 फीट से शुरू होकर के जाएगा ये। तो यही था इसका, और सिमिलर चीज़ इधर भी प्रोवाइड किया हुआ है सब कुछ, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, WC, बाथरूम, किचन, फ्रंट बरंडा है, इसमें देख रहे हैं सोफा लगा हुआ है, क्या प्रोविजन किया हुआ है। अब आइए फटाफट देखते हैं इसका, ये फ्रंट एलिवेशन ऐसा कुछ बन कर करके सामने आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है इसको देखने में। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भविष्य में गृह निर्माण की योजना है तो अपना लैंड डिटेल्स इस पते पर नीचे में दिखा हुआ है, ये planner.vijaykumar@gmail.com पर उपलब्ध करें। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं।